एक बार मेरे को बताना वो कौन सा गांव है सामने। और इसी के राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ टेंट लगा हुआ है, मतलब मेरी मम्मी का और मेरी छोटी मौसी का एक ही गांव है। यहाँ सब कुछ है लेकिन डॉक्टर भी नहीं है, कई चीजें समस्या है। सो वेलकम टू मैनी व्लॉग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे, मैं तो बड़े हूँ। तो तुम्हारा यार हो चुका है रेडी सुबह 8 बजे के टाइम, बिल्कुल फिट फाट, देख रहे हो नए कपड़े। हाँ! 3 साल से यही कपड़े हैं मेरे पास, गजब बेइज्जती है। तो देखो नए कपड़े दिख रहे हैं ऐसे होते हैं देख, और पीछे जो आपको दिख रहा है ना ये अभी कल ही पिटाई है, देखो खौफनाक डकैत, कल ये पंगे ले रहा था किसी से न्यूतेर में, तो उसको सिर्फ 2 घुसंड मारे, ज्यादा नहीं है ना, तभी लगी ना देखो ऐसा बोल देना। हाँ तो बोल देता यार, हाँ देखो बात मानता है। तो अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे नीचे दीना दिन की शादी में, तो कब चलना है पता रहे? दिन में 1 बजे आएगी बारात। 1 बजे आएगी, आपकी भी आ रही है? दादी आ रखी है, पापा की दोनों ताइयां हैं, सबसे बड़ी ताई वो। बड़ी कौन है ये तो बताओ? हाँ बड़ी हो फिर आप, हड़ा से नहीं आना पड़ेगा फिर, बस आएगी तो अभी भी पिटने के निशान है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, हमारा घर आपने पीछे देखा होगा ये रहा, और यहाँ पर है ताऊ का घर, यहाँ पर सबसे बड़ा ताऊ का घर, और मिडल में उनका किचन है यहाँ पर और वॉशरूम है, और यहाँ दिख रहा है लीला मौसी का घर, ये पीछे मकान, मतलब मेरी मम्मी का और मेरी छोटी मौसी का एक ही गांव है। और साइड में गिरिया चाचा का घर, उनके साइड में एक पंडित जी का घर, पंडित जी का, पंडित रानी का, पंडित जी है, फिर उनके साइड में गिरिया चाचा का घर पीछे आपको दिख रहा होगा। लीला मौसी मेरे को कह रही थी, जो मेरी छोटी मौसी है, कि यहाँ की वीडियो जरूर बनाई घर की, तो मैं वैसे ही बनाने वाला था। अच्छा अभी बारात में जा सके? अच्छा अभी बस आधे घंटे बाद आ जाओ। और दादी आओ, तो अभी निकल चुके हैं नीचे खुटी बाकी के लिए, तो मैं और 2 दादियां जा रही हैं साथ में। स्कूल चालू है क्या दादी? नहीं मेरे को लगा शायद बंद ही है सुबह से, यहाँ पर स्कूल अब खुल भी गए हैं। तो दूर दिख रहे हैं रोड में, ये ले जा रहे घास इतना बड़ा, देख रहे हो बाप रे, ये होती है मेहनत। छोटे बहू की दुकान है इधर, देखो वही सबके सब निकल रहे हैं उधर ही बस शादी के लिए, देख रहे हो सबके सब सारा सब। खुटी बाकी के लिए कल भी आपको दिखाया था, पर अभी दिन के टाइम ज़्यादा रोशनी हो रही है तो पूरा प्रॉपर्ली दिखा रहा हूँ आपको। सीधा गांव जाके ही आपको मिलूंगा, क्योंकि अगर कोई भी वैसा सीन होगा दिखाने लायक तो ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी कल के ब्लॉग में मैं दिखा चुका हूँ कि खुटी बाकी के लिए जाते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं, हल्का सा फिसले नीचे गिरे तभी यहाँ ना सिर्फ पहाड़ी कर सकता है सर्वाइव। क्यों? क्योंकि उसको पता है रास्ता कैसा है, कैसे जाना है। पर अभी काम हो रहा है, खाने पीने का सामान बन रहा है इधर, और इसी के राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ टेंट लगा हुआ है। खुटी बाकी में अभी ताऊ जी मिले, और मेरे तो दादाजी आपके क्या लगते हैं? आपके भाई लगे, चाचा लगे? लक्ष्मण जी दादा। हाँ डीएमएस में थे वो? हाँ डीएमएस में। हाँ डीएमएस में, मैं भी दिल्ली रहता था, काम पे लगे अभी। ये देख मेरे स्टिकर आ फिर चिपका है इसने, गुड बॉय, सही से टाइट चिपका, हाँ गुड गुड बॉय। चलो एक स्टिकर तो मेरा लग गया, आने ही वाली है, और अरेंजमेंट हो चुका है स्टार्ट, ये देखो अरेंजमेंट होने लग गया धीरे धीरे, अभी रख रहे हैं सब सामान, अभी पूरा का पूरा दिखाऊंगा आपको लुक जब बारात आएगी। तो देखो कितना काम आ रहा है दिन के टाइम, यही प्रॉब्लम होती है कि पानी दिन में बहुत कम आता है। तो अभी ना मैं गांव के नाम पूछ रहा हूँ सामने जो है एक दो, और मुझे पता चला कि सामने के ही गाँव के हैं। एक बार मेरे को बताना वो कौन सा गाँव है सामने? ये तो नैल है, ये वो सामने पीछे वाला, वो पीछे वाला वो सिसवाड़ी है, सिसवाड़ी जहाँ से आप आए हो अभी? जहाँ से आए सिसवाड़ी है, वो सिसवाड़ी गाँव, सिसवाड़ी गाँव सामने, सिसवाड़ी गाँव है जहाँ हमारे बैचन लहसुन की, लहसुन की, लहसुन की पैदावार ज्यादा होती है। अच्छा, खोई में बोलते हैं कि प्याज की ज्यादा पैदावार होती है ना खोई में ज्यादा, ये तो कभी हुआ तो सिसवाड़ी में जरूर जाऊंगा मैं। आपका एक नाम पूछूं, नाम एक बार बता दूं, जैसे कभी हुआ तो मैं आपके वहाँ। आनंद सिंह रावत। आनंद सिंह रावत। आनंद सिंह रावत। तो आनंद सिंह रावत नाम है इनका, तो कभी हुआ तो सिसवाड़ी हम जाएंगे उधर। और एक बार बता दो ये कौन सा गांव है ये वाला? ये तो नैल है। नैल है ना? ये नैल है। अच्छा ये नैल सिसवाड़ी है, और फिर वहाँ ठेक दिया वो तराड़ है। तराड़ बिल्कुल दूर दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है तराड़। हाँ तराड़ में उसके ऊपर चिवड़ी है, चिवड़ी चिवड़ी, और उसके ऊपर ढैया में ऊपर वो स्याही दिख रहा है, स्याही 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 स्याही। हाँ तराड़ में तो हमारे रिश्तेदारी, मम्मी की मौसी वगैरह रहती है ना, और यहाँ ऊपर बैठे जो रिक्वासी है, रिक्वासी उधर एक दिखाई यार ऊपर वो रिक्वासी, और नीचे कौन? डियोन है, डियोन। डियोन। अच्छा डियोन है। हाँ इधर भी हमारे रहते हैं रिश्तेदार। हाँ इधर रिश्तेदार रहते हैं हमारे।
इससे एक चीज ये हो रहा है कि पता चल रहा है, इससे नोन होंगे गांव के नाम, जैसे मेरे को भी नहीं पता था आप बता रहे हो, इससे नोन भी होगा, आप पता भी चल रहा है, और क्या चीज है ना, इससे नोन भी हो जाएगा, क्या पता इन फ्यूचर कोई आए तो आपके यहाँ पर भी आ सकता है, हमारे इधर भी आ सकता है, तो क्या पता बोले कि हमारे चैनल को देख के आए कि हाँ इससे प्रेरित होके पॉपुलर अगर आगे देखने लगे, ये हमारे क्षेत्र की चीजों को दिखा रहे हैं, आगे प्रमोट कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरों की अपने चीज को पहचाने और जाने में, पहचानने में और दिखाने में, गाँव में जो प्लेन्स में भी है, जो हमारे एनआरसी लोग हैं वो भी अपने गाँव को अपने क्षेत्र को दे सकते हैं, देख सकते हैं आराम से, ताकि हमारी हमारे पूर्वजों को हमारे गाँव है ये वो है, क्योंकि अभी का टाइम ऐसा है कि काफी जने तो घर छोड़ के जा रहे हैं, मतलब क्या पलायन हो रहे हैं, पर ये कि आके देखो कैसा क्या रहता है, तो पहाड़ के, तो पहाड़ की तरफ अपने रुख करेंगे तो उसे अपने गांव की जमीनी सच्चाई को पता लगेगा कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं, आने वाले भविष्य में अपने गांव को आगे विकसित कैसे कर सकते हैं, कैसे कर तो सरकार पे भी अपना प्रसर रुकड़ा बना सकते हैं कि हमारे चीज में ये गाँव होना चाहिए, चाहे लिखाई हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की जो भी समस्या हो उसको सरकार गौर करेगी तो उस पर ज्यादा काम करेंगे तो लोग पलायन रुकेगा, पलायन रुकेगा जब वहाँ पर ज्यादा पैदावार होगी किसी भी चीज की। एक छोटी सी बात करता हूँ मैं, जैसे अभी हम ना 4 महीने बाद गांव आए तो देखा घर हमारा ना बिल्कुल थार उसका खराब हो रखा है, जब हम आए तो थार ठीक करा, तो वही चीज बता रहा हूँ कि जब आओगे तभी तो ठीक हो। जैसे लॉकडाउन है उसे काफी लोगों ने अपने गांव में घर बनाए हैं, घर बनाए क्यों, लॉकडाउन में काफी लोगों ने समस्या प्लेन्स में देखी तो लोगों ने अपने घर के रुख पहाड़ की तरफ रुख करा है, क्योंकि पता कि उनका घर गांव में है, तो घर में थोड़ी अपनी लास्ट लोकेशन जो है तो उधर ही आएंगे, लास्ट में वही घर पर ही आना, तो इसलिए उसको देखते हुए उन्होंने अपने घर में थोड़े कारोबार करने लगे हैं, तो इसलिए सरकार भी थोड़ी सी उनको बाय प्रमोट करे, सहायता पूरा करे, तो तब जाके आगे और कुछ हो सकता है, सरकार उस पर कोई अपने सुझाव या कोई वो बनाए जनता के बीच में, ताकि गाँव के लोग वहाँ पर अपने आगे के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, ताकि गांव का विकास हो, प्लान में रुके, प्लान रुके, मेनली ये चीज कह रहे हैं, इस पर ज्यादा फोकस होने चाहिए सरकार का कि प्लान से रुके, उसके लिए गांव के जो लोग रहे उसकी पहचान कमेटी बने, किस तरह हमारा गांव स्तर पर काम होना चाहिए तो उससे मजबूती मिलेगी, कमेटी बनेगी तो लोगों काम मिलजुल के काम करेंगे, काम मिलजुल कर होगा और आगे बढ़ेगा और उनको मिलेगा भी रोजगार भी मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा ना, उसके आधार पर उनको रोजगार मिलेगा और एक काम बाजन कमेटी की निगरानी में काम करेगी तो उसको आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। सरकार अब देखो ये चीज किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि पलायन हो रहा है, सामने से देख रहे होंगे, आपने सामने से देखा लंबे समय से पलायन हो रहा है, लंबे समय से पलायन हो रहा है, तो ये चीज आप सब भी समझो, जो चीज बताना चाहते हैं ज्यादा फोकस होना चाहिए, तो हमारी शिक्षा जो हमारी माताएं बहनें जो इतने दूर दराज यहाँ सब कुछ है लेकिन डॉक्टर भी नहीं है, कई चीजें समस्या है, कहाँ हरड़ा जाना पड़ता है, हरड़ा जाना पर हमारे यहाँ पर ये तो रामनगर रोज जाना पड़ता है उनको, रामनगर हरड़ा यहाँ पर बाय चांस सुविधा हो जाएगी तो यहीं पर लोग अपने वो करेंगे, समस्या बहुत परेशानी है पहाड़ में, बहुत परेशानी है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे तो काम आगे बाय चांस लोग यहीं पर रुकेंगे, तभी तो रुक पाएंगे और पलायन जो हो रहा है वो कम होएगा, तो ये चीज आप सब भी समझो, जो चीज जो झेल रहे हैं वो ही बता सकते हैं, तो ये चीज सुन के हमें भी अच्छा लगा, आपने ये चीज बताई है, तो रोजगार वगैरह भी यहाँ पर वैसे सरकार उपलब्ध करा सकती है, तो सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए ना आने वाले समय में भी, ताकि पहाड़ का प्लान रुके। ये तो अब आपकी ये वीडियो देखते हैं कहाँ तक जाती है, जाएगी तो आपके क्या पता दोस्त वगैरह देखें, हाँ। और कोई भी देखेगा, किसी को भी लगेगा किसी चीज को लेके तो आपको बोलेंगे, हाँ। बताएंगे कि आपने ये चीज आवाज उठाई है, तो कभी ऐसा हुआ तो ध्यान रखना इस चीज का, हाँ। है ना, चलो अच्छा लगा मिलके, और अभी पूरा गाँव का आपको पूरा सीन दिखाएंगे, और बाकी सिसवाड़ी गाँव में जरूर एक बार जाएंगे जाएंगे, जिसमें कहते हैं कि लहसुन की खेती अच्छी होती है, लहसुन और अरबी की खेती हमारी, लहसुन और पापड़ की, पापड़ की, चलो देखेंगे कभी जाएंगे तो, बाकी अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना, धन्यवाद। धन्यवाद।